हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पीजीटी ईएमआरएस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली यहाँ पर हम आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एनईपी 2020 से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके आंसर्स क्या होने चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी, ताकि उन लोगों को हेल्प हो जिनका एग्जाम अपकमिंग डेट्स पे होगा। एंड आप देखेंगे कि पीजीटी के पेपर में यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने सेशन में ऑलरेडी कवर किया था और हूबहू प्रश्न जो है मेरे सेशन से आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं शुरुआत। और मैं अपकमिंग जो यहाँ पे रह गए हैं सेक्शंस, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, उसका भी मैं बहुत जल्दी आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। तो तब तक इस वीडियो को आप देख सकते हैं पूरा और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मैकफी प्लस किसका उदाहरण है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने करवाया है अपने सेशन में, तो यहाँ पे एंटीवायरस हो जाएगा। इसका एक कंप्लीट मैंने सेशन भी लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो सी हो जाएगा फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की, तो कहाँ पे हम एनिमेशन यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। अगर आपने बहुत ध्यान से एक एक वीडियो आईसीटी का देखा हुआ हो तो आपको ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वन ड्राइव ओन किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर 33 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कॉपी करने का शॉर्टकट की सिंपली पूछा गया था, तो कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 34 के लिए। कंट्रोल प्लस सी इज फॉर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। तो कौन सा एक सोर्स नहीं हो सकता है जिससे वायरस एंटर होगा, तो नॉट बताना था, तो प्रिंट आउट से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। बाकी पेन ड्राइव, ईमेल और हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस जो है वो एंटर हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000। तो अगर आपने क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को, तो यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर जो होगा वो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को एग्जांपल नहीं होता, बिकॉज साइबर क्राइम इज ऑल अबाउट योर नेटवर्किंग और जो ऑनलाइन है वो हो रहा है, ठीक है। सो इसका सी नॉट आंसर, नॉट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने सेशन में करवाया हुआ था। प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है, तो ये तो ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉयस्टिक, स्कैनर और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब जो माइक होता है, मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स टू ट्रांसफर सम फोटो थ्रू ब्लूटूथ। अब देखो यहाँ पे ना ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फोटोज को, तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, PAN, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इस पे वीडियो, तो प्लीज आप लोग मेरी सारी वीडियोज जाके इसकी बेसिक वीडियोज देख सकते हैं जिसमें आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से एक एक एग्जांपल को कवर किया था। विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होता है, ठीक है। सो 40 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था, तो इसमें है कि मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है। तो प्रभावी शिक्षण जो है वो किसका प्रकार्य हो सकता है, फंक्शन किसका हो सकता है। तो बेसिकली इफेक्टिव टीचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, ठीक है। सो मोस्ट जो आंसर इसका होगा 41 के लिए वो होगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन का उदाहरण नहीं है। तो अधिगम के आंकलन यानी ऑफ लर्निंग है, तो स्कॉलरशिप एग्जाम लेना बिल्कुल समेटिव हो सकता है।
एनुअल भी आपका सबमिटिव होता है, गृह कार्य भी आपका सबमिटिव हो सकता है, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपका सबमिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो आपका फॉर लर्निंग की कैटेगरी में पूछा जाता है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू योर फॉर लर्निंग। बाकी गृह कार्य का आंकलन एक तरह का सबमिटिव है क्योंकि आप ओवरऑल जो आंकलन है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो एनेक्डोटल जो है वो आपका फॉर्मेटिव की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता करना चाहिए और जो रेमेडी है वो करेक्टिव मेजर्स टीचर को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट हो जाएगा, तो इसका स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट विल बी राइट। और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो उपचारात्मक हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो 90% आंसर होने के चांस है वो है सी। बाकी देखते हैं कि आपका फाइनल आंसर की में क्या यहाँ पे सच मानते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, बिकॉज स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो आपका एंड टर्म हो सकता है। ठीक है, बट यूनिट टेस्ट को हम एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं, इसीलिए इसका सी होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच? कौन सा टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर नहीं आता है? तो यहाँ पे आपको क्या बताना था जो कि आपका लर्नर सेंटर्ड से रिलेटेड है। सो आंसर ए इसका हो जाएगा कि यहाँ पर टीचर सेंटर्ड के अंदर डिस्कशन और डिबेट ज्यादातर फॉलो नहीं किया जाता, तो नॉट में आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है, वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है, वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। यानी कि आप देखेंगे कि वो प्रपोजिशन से डील कर रहा है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का स्टेज उसका नहीं है, सेंसरी मोटर भी नहीं होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल भी नहीं है, प्री ऑपरेशनल भी नहीं है, तो आंसर जो होगा वो अमूर्त संक्रियात्मक होगा, बिकॉज अब वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के अलावा इम्पेरिकल के अलावा पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। सो ये आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था हो जाएगी, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दी ए एस एस यू आर ई मॉडल, आईसीटी के अंदर एक मॉडल पूछा जाता है जिसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ए फॉर होता है पहले एनालिसिस करना लर्नर को, फिर उसके बाद एस फॉर हो जाएगा स्टेट दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। थर्ड पे एस फॉर होता है हम जब सिलेक्ट करते हैं मीडिया और मटेरियल दोनों को, तो यहाँ पे मीडिया भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आपका ई फॉर यहाँ इवेल्युएशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो किशोरों में तीव्र संवेग बिल्कुल होता है और दोष दर्शन भी हो सकता है, क्रिटिकल हम होते हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ग्रुप लॉयलिटी होती है, लेकिन ये नहीं होगा कि हम सेम सेक्स के थ्रू हम हमारे ग्रुप बन रहे हैं, बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, सो डी हो जाएगा इसका नॉट। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछा गया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हतोत्साहित वर्ड आया है कि हम डिस्करेज करेंगे बच्चों को उनके एनालिसिस और उनके सेल्फ असेसमेंट में, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, सो हतोत्साहित नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, खोज विधि का कौन सा लाभ नहीं होता है? तो यहाँ पे डिस्कवरी मेथड, जो डिस्कवरी अप्रोच है उसका एक लाभ क्या नहीं है कि ये मेथड छोटे बच्चों के लिए सुटेबल है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज डिस्कवरी जो मेथड है वो ज्यादातर बड़े लेवल पे कराया जाता है, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि लोअर लेवल पे हम इसको करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं एनईपी के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि एनईपी के 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके पेपर में, और यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो सभी क्वेश्चन आपको मेरे एक वीडियो से मिल जाएगा। जिसने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग 50 क्वेश्चन की एनईपी की वीडियो देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फाउंडेशनल स्टेज कौन सा है, तो मैंने फाउंडेशनल स्टेज को खास तौर पे बहुत फोकस करके डिस्कस किया था आप लोगों से।
तो यहाँ पर फाउंडेशनल स्तर में जैसे कि 5 वर्ष था जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट आपका 3 से 6 वर्ष का आता है और दूसरा पार्ट आपका क्या आता है जो कि आपका 6 से 8 वर्ष का होता है कक्षा 1 और 2। तो यहाँ पर बी और डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी और डी मतलब कि आपका 3 से 6 हो गया आंगनबाड़ी 3 साल और 2 साल जो थे वो आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो फाउंडेशनल स्टेज को 5 साल में विभाजित किया गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ईसीसी में कौन कौन से ऐसे संस्थान है जिनका रोल यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आपको याद हो मैंने लाइव सेशन में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जो ईसीसी को आगे ले जाएंगे या उसको डिलीवर करेंगे, तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी था। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि को लोकेटेड प्राइमरी स्कूल्स में कुछ आंगनवाड़ी होते हैं, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स में जो को लोकेटेड जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी हम ईसीसी की शिक्षा दे सकते हैं, और कुछ हमारे स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने हूबहू कराया है जो आपका पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सभी करेक्ट है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है ये सारे ही ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, आपके ईसीसी के इंस्टीट्यूशन में ये सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन एनईपी से। हाँ, ये पूछा गया था कि ईसीसी का कार्यान्वयन करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से मंत्रालय हैं जो इसको करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सीधा आपका पेपर में आया है। एचआरडी मैंने डिस्कस किया था, डब्ल्यूसीडी हमने डिस्कस किया था, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमने डिस्कस किया था, और ट्राइबल अफेयर्स भी इसमें शामिल होगा। तो इसमें भी सभी करेक्ट है, ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो बी इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एफएलएम को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है प्राइमरी में। तो 2025 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था कि कौन सा स्कूली शिक्षा के लिए एक मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव जो है वो जो स्टैंड अलोन एक बॉडी है उसको क्या हम उसका उस किस नाम से उसको हम जानते हैं। तो बेसिकली परख के बारे में पूछा गया था जो कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसको परख बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा राइट। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपने अपने आंसर्स जरूर मैच किए होंगे, आपके सभी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट गए होंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जिनका भी है। एंड इन केस कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड बहुत जल्दी अपकमिंग जो भी सेक्शन हमारे रह गए हैं उसका भी आंसर की मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगी। एंड वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग इन टुमारोज लाइफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।